बाकी किरण आंटी और मलिष्का। अब ओ यस अंकल, आई रिमेम्बर। एक्चुअली ना एक विंडो खुली हुई थी जहाँ से बलविंदर भागने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक वहीं से आए होंगे उसके फ्रेंड्स। आई नो, और घर में कोई और जगह है ही नहीं ना अंदर आने के लिए। क्या एग्जैक्टली? ये लो चाबी। वो डाल दिया मैंने तेल, वो ठीक हो गया दरवाजा, अब खुल जाएगा, जाम भी नहीं है। लेकिन बलविंदर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। व्हाट रियली? रियली ऋषि भाई, मैंने भी बोला उसको, मैंने बोला भी बलविंदर अब तेरा दरवाजे का जाम ठीक हो गया है, आजा बाहर आजा, पर उसे खेलना ही नहीं है। इसका मतलब तो क्लियर हो गया कबड्डी में मैं जीता हूँ, है ना? अंदर से लॉक करके बैठ गया यार। अरे ठीक है, कोई बात नहीं आयुष, उसे अंदर ही रहने दे, पूरी रात वहीं रहेगा। जब सुबह उठेगा ना, थक चुका होगा पूरी तरह से, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होगा। जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उसे बिल्कुल सही सही जवाब देगा, उसका सच बोलेगा। सच? हाँ। आई मीन इट्स गुड, बट इतना पिटने के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला, तुम्हें लगता है कि सुबह तक अपना मुंह खोलेगा वो? आई नो, और ऐसा क्या चेंज आ जाएगा सुबह तक उसके अंदर? वो सोया नहीं है और आज भी पूरी रात नहीं सोएगा। सिरम भी पिया हुआ है उसने, और कल तक उसका दिमाग पूरी तरह से थक चुका होगा, और जब थक चुका होगा जो जो भरा है ना उसके दिमाग के अंदर, सब कुछ धीरे धीरे निकालेगा वो। यस, असली कल्प्रिट कल सुबह हमारे सामने होगा। जो भी हमारे घर का दुश्मन है, जिसने भी लक्ष्मी भाभी की प्रेगनेंसी के बारे में बलविंदर को बताया था, वो कल सुबह हमारे सामने होगा। क्या होगी, हु नोस। एक मिनट, मैं कुछ बोल सकती हूँ? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम सारे ने दम लगा चुके, बड़ी कोशिशें कर चुके, एड़ी चोटी का जोर लगा चुके उससे सच उगलवाने में, पर कोई फायदा हुआ? वो है क्या, बड़ा कोई तुर्रम खान है, कोई सुपरमैन है वो? है वो हमारा ड्राइवर था, एक मामूली इंसान है वो, और उसी ने हमारी नींद खराब करके रखी है। अब उसके साथ जो भी करना है ना, ये दादी करेगी। माँ? हाँ तेरी माँ। अरे यार नानी। हाँ तेरी नानी, ऑल इन वन। बलविंदर से पूछताछ अब मैं करूंगी। पर मम्मी जी, आप इस सब में क्यों? हाँ मॉम, आप क्या कर लोगे? क्या कर लूंगी, पूछ रहे कि क्या कर लूंगी? अरे ये तो टाइम आने पे ही पता चल जाएगा तुम सबको, फिलहाल जस्ट वेट एंड वॉच। और ये बाल ना ऐसे धूप में नहीं सफेद किए हैं। जो कोई भी हमारा दुश्मन है ना, बस ये समझ लो कि इस वक्त इस कड़ी से उसकी उल्टी गिनती शुरू। कितना भी छुप ले, वो मेरी नजरों से छुप नहीं पाएगा और सामने आके रहेगा। ओ गॉड, ये पूरी फैमिली पीछे पड़ गई है मेरे, ऑलरेडी दुश्मन में अनाउंस कर दिया, क्या करूं मैं अब? अरे कौन से जन्म के पाप का बदला ले रहा परमात्मा मेरे से? इतनी मार पड़ी, सारे में दर्द हो रहा, इतनी हड्डी टूट गई, ऊपर से दारू की बूंद नहीं मिल रही, एक दारू की बूंद मिल जाती तो कसम से ताकत से आ जाती। अगर आज मैं यहाँ से बच के निकल गया ना ऋषि, तू नहीं बचने वाला। यहाँ से निकलते अली भाई का जिम ज्वाइन करूंगा और खूब तबाह के दारू पीऊंगा, फिर देख कैसे पिटूंगा तुझे। इसको अंदर ही रहने दो, बस बलविंदर की वजह से ना मुझे थकान हो रही है। तो तुम सो जाओ ना ऋषि। नहीं, बट थैंक्स लक्ष्मी। क्यों? अरे तुमने वो आइडिया दिया था ना जिसकी वजह से बलविंदर नहीं भाग पाया यहाँ से, रोक लिया बलविंदर को, तो उसके लिए थैंक यू। बस अभी और कोई कोशिश ना करे भागने की। कोई कोशिश नहीं कर पाएगा अभी, कोई कोशिश करने भी नहीं दूंगा, क्योंकि आज पूरी रात जागूंगा मैं, सोऊंगा ही नहीं। अरे क्यों, तुम क्यों नहीं सोगे? तुम सो जाओ, मैं जागती हूँ, और अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। क्यों, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम पूरी रात परेशान रहोगी? हाँ तुम्हें नींद नहीं चाहिए क्या? मुझे आदत है ऋषि, ऐसी बहुत रातें गुजारी है मैंने यहाँ पर बिना सोए। छोड़ो, मैं जाग लूंगी, तुम नहीं, जो हो गया वो सो हो गया। अब मैं कह रहा हूँ ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम सो जाओ आराम से, मैं जागूंगा। लेकिन ऋषि, मना कर रहा हूँ ना लक्ष्मी, बोला ना तुम एक बार, मैं सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊंगा, मैं रखवाला हूँ इस घर का, मैं रखवाली करूंगा, तुम आराम से सो जाओ।
प्रेस कर। कितने जिद्दी हो ऋषि, जब मैं कह रही हूँ कि सो जाओ तो सो जाओ ना, चलो सो। अभी कल तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो सेवा फिर मुझे ही करनी पड़ेगी, तुम चलो सो। तुम क्या ये टिपिकल बीवी जैसे बिहेव कर रही हो? जो टिपिकल बीवी होती है ना, जो हुकुम चलाती है, मुझे नहीं पसंद। तो टिपिकल बीवी तो हूँ मैं, नहीं हूँ क्या? बीवी हूँ ना तो चलाऊंगी हुकुम। हाँ लेकिन मैं नहीं हूँ वो टिपिकल हस्बैंड जो अपनी हुकूमत चलाने वाली बीवी की बातें सुन ले। मैं नहीं हूँ वैसा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा और मैं नहीं सोऊंगा। दैट्स फाइनल। ठीक है, मैं भी नहीं सोऊंगी। तो मत सो, एज यू विश। ह्यूमन हूँ तो नींद तो आएगी, इंसान हूँ ना। अभी भी कह रही हूँ सो जाओ, पर नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी का। हाय ह्यूमन, इंसान, नो को नींद आती है कहा था, लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें नींद ना आए। कोई तो उपाय होगा, सोचना पड़ेगा, क्या करें? मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी बना के लाऊं? हाँ, ब्लैक कॉफी से नींद नहीं आएगी। एक सेकंड, बैठो बैठो इधर। कोई जरूरत नहीं ब्लैक कॉफी बनाने की। तुम ब्लैक कॉफी बनाने के लिए जाओगे और मैं यहाँ पे सो गया तो फिर नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। सोचो क्या कर सकते हैं। ऋषि, हाँ, एक आइडिया है। क्या? वो जब हम गाँव में छोटे थे और हमें एग्जाम्स के लिए पूरी रात जगना पड़ता था ना पढ़ने के लिए, तो मैं और मेरी पक्की सहेली हम दोनों ना यही करते थे और हम पूरी रात जग लेते थे। तो मुझे भी जगना है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए बताओ। क्या फायदा बता के, तुम करोगे ही नहीं। अरे करूंगा मैं, मुझे पूरी रात जगना है, मुझे नींद नहीं चाहिए, नींद भगानी है मुझे, आज पूरी रात जगना है। तो बताओ, मैं करूंगा जो भी बोलोगे करूंगा, बताओ। पक्का? हाँ हाँ पक्का, बताओ। मेरी आंखों में देखो। क्या? हाँ, मैं नहीं कर रहा ये सब, देखो ये। अरे ऋषि, पर सच में देखो क्या करना है, मेरी आंखों में देखो और बिना पल के झपकाए बस देखते रहो। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे और ऐसे हमारी नींद उड़ जाएंगी। ये जो लोग प्यार में होते हैं ना, प्यार करते हैं, उनकी नींद क्यों उड़ती है? ये ऐसी फालतू हरकतें करने से, एक दूसरे की आंखों में देखने से उड़ती है। नहीं, ये सब नहीं कर रहा मैं, मुझे नहीं करना ये सब, कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं ही कुछ सोचता हूँ, तुम तो बेकार के आइडियाज दे रही हो। बोला था मैंने नहीं करोगे तुम, ठीक है मत करो, नींद आए तो सो जाना, लेकिन मैं सबको फिर बाहर जाके यही बोलूंगी कि तुम सो गए थे और मैं पूरी रात जगी थी। रखवाली। तुमने किया ना ये सब, बलविंदर को भगाने की साजिश भी तुम्हारी थी ना। वाह मलिष्का, इतनी चीप हरकतें क्यों कर रही हो तुम? सीधे सीधे मॉम के पास जाके सच बता दो ना कि तुमने ये सब किया है क्योंकि तुम्हें लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकालना है, सब भी तो वही चाहते हैं, तो ये सब क्यों कर रही हो? मैं बात करूं मॉम से? आई विल एक्सप्लेन टू हर, शी विल अंडरस्टैंड। नहीं नहीं सोनिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। व्हाई नॉट आंटी? व्हाई? तुम ऐसा पूछ रही हो सोनिया? तुमने कैसा रिएक्ट किया था जब तुम्हें पता चला था? नहीं नहीं सोनिया, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी तरह मलिष्का को समझ नहीं पाएंगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, लक्ष्मी की जगह मलिष्का घर से बाहर होगी। तुम नहीं चाहती कि ऋषि की वाइफ बने मलिष्का, तुम्हारी भाभी बने? तुम क्या चाहती हो वो लक्ष्मी बन जाए? नो, मैं 100% चाहती हूँ कि सिर्फ मलिष्का मेरे भाई की वाइफ बने, वो लो ग्रेड लक्ष्मी ने। तो फिर जो हो रहा है ना उसे होने दो, निकल जाएगा कोई ना कोई वे, हो जाएगा सब कुछ सॉर्ट। पानी मैं लेकर आती हूँ। पानी? नॉट, मैं मुकेश से ले लूंगी। वेलकम बैक। तुम्हें क्या लगता है भरोसे लायक है ये? अमीन, इसे सब पता चल गया, इसने तुम्हारा सच किसी को बता दिया तो? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। बहुत पसंद करती है सोनिया मुझे, सुना नहीं क्या बोला अभी उसने कि वो चाहती है बस मैं ही ऋषि की वाइफ बनूं। सुना ना आपने, वो लक्ष्मी नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मेरा बुरा करेगी। ये क्या बात हुई? बस उन तो तुम भी अपने आप को करती हो ना, फिर भी तुमने अपने साथ बुरा किया ना। बनना चाहती हो ना तुम ऋषि की वाइफ, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। जब बुरा होना होता है ना तो दिमाग घूम जाता है मलिष्का। प्रॉब्लम क्या है आपकी? अब आप भी उस लक्ष्मी की साइड लोगी क्या? मलिष्का? नो मॉम, अब जो हो गया वो हो गया, उसे हम मिटा नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते। एंड आई नो, अगर ये प्लान मेरा कामयाब हो जाता ना तो आप मेरी अभी यहीं पे तारीफ कर रही होती, मुझे हक करती। मेरा प्लान फेल हो गया ना, इसलिए आप ये सब बातें कर रही हो। मलिष्का, जो भाग्य में होना होता है ना
उसे कौन रोक सकता है? मैं